तमिलनाडु में टमाटर की बढ़ती कीमतों से लोगों को राहत मिलती नहीं दिख रही है। रविवार को चेन्नई और कई शहरों में इसकी थोक कीमत 200 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई। चेन्नई के कोयम्बेडू थोक बाजार में टमाटर की कमी के कारण दाम तेजी से बढ़े हैं, 250 रुपए तक बढ़ने की संभावना। कोयम्बेडू बाजार में थोक सब्जी विक्रेता पीवी अहमद ने कहा कि कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण फसल को हुए भारी नुकसान से दोनों राज्यों में टमाटर की आवक कम हुई है। भारी बारिश के कारण फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है और इसलिए टमाटर की आवक में कमी आ गई, जिसके बाजार में टमाटर की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। व्यापारियों ने यह भी कहा कि एक सप्ताह में कीमत 250 रुपए प्रति किलोग्राम तक बढ़ने की भी संभावना है। 50% फसल बर्बाद। कोयम्बेडू होलसेल मर्चेंट एसोसिएशन के सचिव पी सुकुमारन ने कहा कि इस बाजार के इतिहास में पहली बार टमाटर की कीमत 200 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। ये अभूतपूर्व है। हम उम्मीद कर रहे थे कि 20 जुलाई तक दरें स्थिर हो जाएंगी, लेकिन अचानक बारिश के कारण फसल बर्बाद हो गई और आंध्र तथा कर्नाटका में 50% से ज्यादा टमाटर की खेती बारिश के कारण बर्बाद हो गई है। टमाटर की बिक्री भी कम हुई। जहां थोक बाजार में टमाटर 200 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रहा है, वहीं कुछ खुदरा दुकानों में इसकी कीमत 185 रुपए प्रति किलोग्राम भी है। चेन्नई के पंपल में एक सब्जी विक्रेता कुप्पुसामी ने बताया कि हम जो टमाटर खरीदते हैं उसमें कम दाम पर बेच रहे हैं, क्योंकि हम बर्बादी से बचना चाहते हैं। बिक्री की मात्रा में भी भारी कमी आई है और लोग टमाटर नहीं खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से दूसरी सब्जियां खा रहे हैं।